अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। अरे शाम को मैं अभी दाना डालने आया हूँ तो ऊपर मैंने देखा एक कबूतर बैठा हुआ, तो इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं, तो देखते हैं हाथ आता है कि नहीं आता। मैं ज़रा जो है कैमरा लगा देता हूँ स्टैंड के ऊपर, और स्टैंड पर लगा कर मैं रखता हूँ केज के ऊपर, और वहाँ से जो है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये देखें जी, ये बच्चा मैं ज़रा जूम किया, ये आप देख लें, पार्शियल इसने फेंके हुए हैं दो, इसकी मुझे थोड़ी सी कटी भी लग रही है। अगर हाथ आया तो ठीक है, मैं तो इसको डंडा लगाता हूँ अगर हाथ में आता है तो ज़रा वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो वो कर लें, और साथ में बेल आइकन पर कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इसको जो है पकड़ने की ट्राई करते हैं। कैमरा लग गया जी स्टैंड पे, और मैं इसको पकड़ने की ट्राई करता हूँ। ले दोस्तों, कबूतर तो पकड़ा गया, वो देखें ये उड़ रहा है, ये वो चिपक गया जाल के साथ। इसको मैं पकड़ता हूँ, नीचे उतारता हूँ और आपको ज़रा इसका शौक करवाता हूँ ये कैसा है। ठीक है, ये कबूतर है जी जो कि अभी अभी पकड़ा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा पहले, सबसे पहले आँख से शुरू करते हैं जी। आँख दिखाता हूँ, ये ले, ये इसकी आँख है, आँख क्लियर कर जाए तो ये देखें जी, ये इसकी आँख है, यहाँ पर बिल्कुल जो है वो क्लियर हो चुकी है। ये देख लें, ये इसकी आँख है। ठीक है, और इसके बाकी मैं आपको पर शर दिखाता हूँ, इसके पर वगैरह कैसे हैं, पूरा कलर भी देख लें जी, आपके सामने ही है। ठीक है, बाकी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, इसका ये पर है, गंदा कितना हो रहा है ये, और ये देखें जी, ये इसके पर हैं, पर पूरा पर मैं खोल लेता हूँ। ये देखें, इसका यह पर ख़राब हुआ हुआ है, ये कबूतर जो है बीमारी के अंदर से निकला हुआ कबूतर है। ठीक है, ये इसके पर हैं, बाकी ये देख लें जी, ये इसको बंधा हुआ धागा,
ये इसको लगता है कि बांध के भी उड़ाते रहे या बांध के अभी नया ही खोला गया ये कबूतर, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और ये है इसके बाद दूसरी तरह का कुंदा उड़ा हुआ कबूतर, ये बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, ये यही लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है जो ताज़ा कबूतर है उसको ही खोल के छोड़ा गया है। ठीक है, ये है इसका दूसरी तरफ का कुंदा। और ये देखें जी, ये टेप के साथ भी बंधा रहा है, आपको ये मैं ज़रा बताता हूँ, मुझे पता कैसे चल रहा है। ये देख रहे हैं, ये टेप के साथ, ये ऐसे, ये देख रहे हैं, ये ऐसे बंधा रहा है टेप के साथ, और इसके ये वाले पार यूँ खोले हुए। ठीक है, ये देख लें, ये ऐसे करके बंधा रहा है। ठीक है, उधर इसका धागा भी बंधा हुआ है, पर यहाँ पे ये टेप का पूरा निशान है। तो ये कबूतर है, दुम इसकी कटी हुई है जी, ये अब तो पता नहीं क्यों कटी हुई है, ये मुझे लगता है बीमारी में से निकला हुआ कबूतर है। ठीक है, हड्डी इसकी जो है बस ठीक है, जोड़ भी गुजारा लायक ही हैं। और ये इसके जो है पंजे हैं, पंजे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये इसके पंजे हैं। ठीक है, और ये पूरा कबूतर है। अब ये देखें, ये जो पर देख रहे हैं ना आपको, मैं ज़रा थोड़ा सा सिखाता हूँ कुछ चीज़ें। अब ये जो पर आप देख रहे हैं, ये जब भी इस तरह के पर किसी कबूतर का निकलेगा ना, ये वाला, ये देखना, मैं थोड़ा सा ये आपको थोड़ा और जूम करके ना बिल्कुल क्लियर करके दिखाता हूँ, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ये जो पर है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये जिस तरह निकला हुआ है, ये उस कबूतर का निकलेगा जो कबूतर बीमारी के अंदर से आके बीमारी में से निकल के ठीक हो जाता है ना, ये उस कबूतर का निकलता है। ये तजर्बे की बात है, ये वाकई साथ साथ मैंने भी सीखा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जी, इसको जो कलर लगा हुआ है, एक तरफ इसको ये देख लें जी, ये पिंक कलर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इसको ये देख लें जी, आपके सामने है ये हरा रंग लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लें, ये दो इसको रंग लगे हुए हैं। तो ये कबूतर है जो कि अभी अभी हमने जो है अभी छत पे मैं आया हूँ दाना डालने के लिए, तो आगे बैठा हुआ था तो फिर मैंने जो है पकड़ लिया। ठीक है, ये देख लें जी, ये दो कलर हैं, शादे सीधा हो देख, ये लें जी ये। ठीक है, ये पूरा कबूतर है। तो ये कलर देख लें जी, एक तरफ पिंक लगा हुआ है और एक तरफ ये ग्रीन सा लगा हुआ है, और ये रंग जो है इसको लगा हुआ है, ये ताज़ा ही लगा हुआ है, ये पुराना रंग नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये पूरा कबूतर है जो कि पकड़ा। तो इंशाल्लाह आपसे मैं किसी नई वीडियो के साथ मिलूँगा। और एक और बात मैं बता दूँ जी, कि मेरे इलाके में जिनके भी मैं कबूतर पकड़ता हूँ, तो मुझे अव्वल तो उनका रंग का पता होता है, तो मैं उनको फ़ोन करके वापस कर देता हूँ, और अगर उनको ना पता चले तो अव्वल तो उनको पता चल जाए तो उसका क्या मुझे फ़ोन आ जाता है मेरा कबूतर है। अगर उनको ना पता चले तो दो चार पाँच दिन बाद भी जब मुझे पता चलता है कि फलां का कबूतर है तो वापस हो जाता है। तो अपने एरिया का तो मैं कभी भी कबूतर किसी का नहीं रखा। तो लाहौर है, लाहौर का शौक बहुत बड़ा है, कबूतर आता है बड़ी बड़ी दूर से आके गिरता है। तो जिस तरह मैंने आपके साथ उसका क्या नाम है वीडियो भी शेयर की थी, तो कबूतर बड़ी बड़ी दूर से आता है, तो आते रहते हैं जी, तो हम पकड़ते रहते हैं, तो ये तो सिलसिला चलता रहता है, हमारे भी जाते रहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं किसी नई वीडियो के साथ मिलूंगा, किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, नए कबूतरों के साथ मिलूंगा। अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जो है वो अपडेट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।